हर घर नल की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर करने का हो, हर घर शौचालय आवास देने का हो, गैस का कनेक्शन देने का हो, गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ना हो, साथ साथ एक्सप्रेसवे बनाने का काम तेजी से शुरू करना हो, 12 विश्वविद्यालय, 250 माध्यमिक विद्यालय, 78 डिग्री कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने का हो, यानी उत्तर प्रदेश जहां माफियाओं से मुक्त का अभियान सफलतापूर्वक संपादित करने वाला प्रदेश बना, वहां नौकरी देने वाला, किसानों की आमदनी को दुगना करने वाला और आम गरीबों के हित चिंतन के लिए काम करने वाला प्रदेश बना। आज भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, पहले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं था, आज लगभग 55 से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार की हैं, जिसमें नंबर वन पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बदल गया है, माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर गए या जेल में गए या ऐसी जगह हैं जहां से वो अब आना उनका मुश्किल है। जेल से बाहर निकलते हैं तो तख्ती होती है छाती पर, योगी बाबा माफ करो। यानी उत्तर प्रदेश अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार का जो दंगा के लिए 700 दंगे 5 साल में 12 से और 2016 तक हुए थे, वहाँ एक भी दंगा 5 सालों में नहीं हुआ। ऐसे उत्तर प्रदेश को बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था विकास, जो मुद्दा है विकास और जो मुद्दा रहेगा विकास, अब उत्तर प्रदेश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद का कोई स्थान नहीं है। अब केवल विकासवाद के आधार पर 5 साल तक हमने काम किया है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के सफल नेतृत्व में, और विकासवाद के मुद्दे पर ही आगे भी काम करते रहेंगे। प्रियंका गांधी आज जयपुर में है, संकेत दिए हैं सपा के साथ में गठबंधन हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया उन्होंने, और कल एक महिला दिवस पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तमाम विधायकों को बुलाया गया, महिला विधायकों को, उनसे एक मैं किसी भी नेता के किसी प्रश्न पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो वादा करने वाले लोग हैं और झूठे वादा करने वाले लोग, उनसे जनता प्रश्न जरूर पूछती है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो लोग पूछते हैं कि योगी जी ने कहा था कि हम सरकार में आते ही हम ऋण को माफ कर देंगे, 86 लाख किसानों का, 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी का अभियान हम लोगों ने अपनी पहली बैठक में कर दिया था, लेकिन अब कुछ किसानों का ही यहाँ पर ऋण हुआ, और राजस्थान में जो वादा हुआ था ऋण माफी का, अभी तक का उसकी प्रतीक्षा किसान कर रहा है। यहाँ का नौजवान 3500 रुपये भत्ता देने का जो वादा किया था यहाँ की सरकार ने, वो भत्ते के इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि झूठे वादे करने वाले लोगों से किसी प्रकार के और चमत्कार की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। यूपी चुनाव में किसान आंदोलन का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए अब आज कुछ लोग जो आपके साथ पिछली सरकार में शामिल हुए थे वो दल बदल के चले गए, ऐसी स्थिति में आपको कितना फेस करना पड़ेगा? देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव जनता ने लड़ा है और सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंची हैं। आज हर घर में योगी जी और मोदी जी रहे हैं, इसलिए अब चुनाव परिणामों के बारे में मैं कुछ क्षणों के बाद, आपको सर्वे भी आ जाएंगे और परिणाम भी 10 मार्च को आ ही जाएगा, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन इतना जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश विकास की गति को और तेज करेगा। मैंने कहा ना, जनता ने छप्पर फाड़ के दिया है, मोदी जी और योगी जी पर विश्वास किया है और जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है योगी जी को और बीजेपी को। अब देखिए अब तो सर्वे आपका ही रहा है, लेकिन आप इतना मानिए, निश्चित मानिए कि हमारी सीटों का एक अच्छा खासा रिकॉर्ड होगा, पिछली बार से ज्यादा या कम? अब निश्चित रूप से हम पिछली बार की तरह हमारा प्रदर्शन हुआ है और हमारी सीटें क्या इक्वेशन रहा है, हमारी बढ़ भी जाएंगी और हमारा उसके आसपास भी रह सकता है, लेकिन हम चुनाव हमारा जो हुआ है उसमें सपा बसपा कांग्रेस MIM हमसे बहुत दूर है। सर, जैसे
मुख्यमंत्री जी वो अयोध्या में जैसे जिलाधिकारी का वो चेंज कर दिया। देखिए झूठी खबरें कुछ लोग फैलाने का काम करते हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग केवल चुनाव में रूमर के आधार पर चुनाव को लड़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफवाह उड़ाकर चुनाव लड़ते हैं। वो कहते हैं मैं सेना में भर्ती करा दूंगा। मुझको नहीं लगता कि आप राजस्थान में भी पूछ के देखो क्या राजस्थान सरकार सेना में भर्ती करा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार भी सेना में भर्ती नहीं की, सेना की भर्ती रक्षा मंत्रालय और सेना कराती है, लेकिन उसका वादा करके भी लोग चुनाव में आए। तो ऐसा वादा करने वाले जो पूरा नहीं करते, पिछली चुनाव जब 2012 में चुनाव हो रहा था तो 47 लाख फॉर्म भराए गए थे और इसलिए भराए गए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम मकान देंगे। 27 लाख फॉर्म भराए थे और 27 लाख फॉर्म भराने के बाद भी जब सत्ता में आए तो कुछ हजार लोहिया आवाज भी नहीं दे पाए, कुछ हजार दिए। लेकिन बीजेपी सत्ता में आई 43 लाख आवास प्रधानमंत्री योजना और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हमने दिए। तो उनकी कथनी करने में हमारी कथनी करने में अंतर है। जिनको सत्ता में नहीं आना वो सपना देखते हैं और हम सपना को पूरा करते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्यों पलटी मार रही है उत्तर प्रदेश? ये आप कह रहे हो चेंज कर रहे हैं अखबारों में, मीडिया में नहीं। देखो कोई भी चीज को आप स्टंट बनाना चाहो, कोई चीज को स्टंट बनाना चाहो तो आप भी किसी को बेच के बनवा सकते हैं। उसको निश्चित रूप में एक जिस कर्मचारी का था उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।